रोज की तरह आज भी मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले काफी सारी बड़ी खबरें बाहर निकल कर आ रही है। तो सारी बड़ी खबरें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो कि मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से निकल कर आई है। तो ओवरऑल वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खास कर आईपीएल से जुड़ा हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की या फिर कहले पहले बड़े अपडेट की। ये बड़ा अपडेट मुंबई इंडियंस की टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा उनकी तरफ से निकल कर आया है। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा अपने फैन से काफी ज्यादा नाराज है, अपने फैन से और जसप्रीत बुमराह के फैन से। दरअसल दोस्तों अब ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने वाले है या फिर नहीं, और जसप्रीत बुमराह को काफी ट्रोल किया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल से पहले बिल्कुल फिट हो जाएंगे और पैसों के लिए जसप्रीत बुमराह क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रोल किया जा रहा है जसप्रीत बुमराह को सोशल मीडिया के ऊपर। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के मुकाबले से पहले आज जो मैच होने वाला है उससे पहले रोहित शर्मा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और उसमें हमें बचाव में आते हुए जसप्रीत बुमराह के रोहित शर्मा दिखने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या फिर नहीं अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है, बीसीसीआई अभी डिसाइड कर रहा है और डिसीजन लेने वाला इसके ऊपर और कौन से खिलाड़ी को जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर वर्ल्ड कप में बुलाना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर ईशान किशन की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों ईशान किशन अभी T20 वर्ल्ड कप का भी नहीं हिस्सा है क्योंकि भारत की टीम में इन्हें मौका नहीं मिला है और अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो चालो उससे भी काफ़ी दूर है। तो ईशान किशन को हमें MI की टीम रिलीज़ करते हुए नजर आ सकती थी। और दरअसल दोस्तों MI की टीम के काफ़ी सारे फैंस हमें कमेंट भी कर रहे थे कि MI की टीम को ईशान किशन को रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमें MI की टीम रिटर्न करते हुए दिखने वाली है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में कहा था कि हमें ईशान किशन को MI की टीम जितने करोड़ों रुपए में MI की टीम ने मेगा ऑक्शन में ईशान किशन को परचेज किया है उतने पैसों के अंदर हमें MI की टीम ईशान किशन को रिटर्न करते हुए दिखने वाली आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे जो MI के फैंस हैं वो चाहते हैं कि MI की टीम को ईशान किशन को रिलीज़ कर देना चाहिए और दोबारा से मिनी ऑक्शन के अंदर 9 से 10 करोड़ रुपये के अंदर परचेज कर लेना चाहिए। इससे MI की टीम का पर्स बैलेंस भी बढ़ने वाला है ऐसा MI के फैंस सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर नहीं मिलते हैं तो फिर MI की टीम को इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है अगर मिनी ऑक्शन के अंदर ईशान किशन नहीं मिलते हैं MI की टीम को। अगर कोई टीम दूसरी ज़्यादा बड़ी बोली लगा देती है और ईशान किशन को परचेज कर लेती है तो फिर हमें ईशान किशन MI की टीम की ओर से खेलते हुए नहीं दिखने वाले, और हो सकता है कि IPL 2023 के सीजन में ईशान किशन अच्छी इनिंग्स खेले MI की टीम के लिए। चलिए बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी बड़ी खबर की। यह बड़ी खबर मार्क बाउचर की तरफ से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों MI की टीम के जो हेड कोच है मार्क बाउचर उन्होंने लगभग अब प्लान तैयार कर लिया कि MI की टीम कितने करोड़ रुपये का पर्स बैलेंस ले जाने वाली है मिनी ऑक्शन के अंदर और कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है और कौन से खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन से पहले खरीद कर अपनी टीम में यानी कि ट्रेड विंडो में ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल करने वाली है। तो सारी रणनीति लगभग तैयार कर लिया मार्क बाउचर ने, तो इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर नहीं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।